एक गलती छुपाने के लिए बार बार गलतियां करी। मैं श्योर हूँ मेरा एक्सीडेंट आपने लियो और शक्ति ने मिलके करवाया। ये सब ऐसे कैसे बोल सकती है ये? और नहीं थी आने को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से भाई सबको बताया कि मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर, ये मुन्नी और शक्ति गलत है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। और वही हम देख रहे हैं कि गेस्ट हाउस में छोड़ दिया मेहर ने उसको गुस्से में। यहाँ पर उसने बहुत समझाने की कोशिश भी की हानिया ने, लेकिन उसने सुना नहीं। हम क्यों कराएंगे तेरा एक्सीडेंट है? तुझे तो ना रब ने सजा दी है तेरे किए की, और मेरे तो बस घर से ही चली जा उतना ही काफी है। मैंने गाड़ी का नंबर प्लेट देखा था। झूठ, गाड़ी में नंबर प्लेट थी ही नहीं। सर आपने बताया हमें। हानिया को ना गेस्ट रूम में छोड़ देते हैं, लेकिन गेस्ट रूम में भाई जो लियो शक्ति और मुन्नी है ना वो फायदा उठा लेते हैं। यहाँ पर तीनों आ जाते हैं, उसको रस्सी वगैरह से बांध देंगे, उसके हाथ बांध देंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे कि वो गाड़ी में ऐसे नंबर प्लेट नहीं थी, हमें कैसे पता चलेगा, वरना और क्या सबूत है तेरे पास? मैंने उन तीनों इंसानों में से किसी एक के हाथ को नोचा था, मेरे नाखून के निशान होंगे उसके हाथ। और यहाँ ऐसे लग रहा था कि उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, वो भाग जाती है वहां से, लेकिन विक्रम आके उसको मार देगा। अब जैसे ही विक्रम गाड़ी से मार देगा ना, वैसे ही सरब आ जाएगा और सरब उसको उठा के ले जाएगा हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में इलाज वगैरह सारी चीज होगी। ऐसे नोचा था? वो क्या हो गया, क्यों चीख रहा है? कुछ नहीं जी, लियो अपनी पापी का दर्द महसूस कर रहा था। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि अब ये जाएगी किसके घर? तो मेयर बोलती है मेरे घर चली जाएगी, और यहाँ पर सरब बोलता है कि नहीं मेरे घर जाएगी। यहाँ पर फाइनली ने जो हानिया जाएगी वो सरब के घर चली जाती है, और सरब यहाँ उसकी बहुत देखभाल वगैरह कर रहा है, बहुत केयर कर रहा है। ठीक है पुत्र जी, आराम कर, आराम की जरूरत है तुम्हें। चल ठीक है, मुझे बहुत ध्यान रखना होगा, खुद को बचाने के लिए ये तीनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई हम देखेंगे कि जो मुन्नी है ना उसके पास फोन आता है मेहर का, और मेहर बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, तुम घर आ जाओ। और वो घर आ जाती है, यहाँ पर वो पैसे को बैग भी देती है, लेकिन यह एक शर्त रखती है। तो यहाँ पर भाई मेहर शर्त रखती है कि मैं पैसे आपको सिर्फ इसी वजह से दे रही हूँ कि भाई आप किसी तरीके से हानिया को घर से बाहर निकालोगी, और यहाँ वो शर्त मंजूर कर लेती है और बोलती है कि हाँ ठीक है मैं देखो किस तरीके से यहाँ पर उस लड़की को बाहर निकालने वाली हूँ। लेकिन अब सरब के घर जाके उसको और डर लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मुन्नी ये सारे इन सब चीजों के पीछे, और ऐसा नहीं हो कि मुन्नी के कमरे में आके मुझे और डराना धमकाना शुरू कर दे। और यहाँ पर वो और डर रही है।